नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख बुल्डन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, थूक जियात और फर्जी नेम प्लेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अध्यादेश लाने की तैयारी कर दी है, उपभोक्ताओं को मिलेगा सही पहचान। आपको बताते चले कि यहाँ पर जिस तरह से कई ऐसे मामले सामने आए हैं, अब जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं, और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों अध्यादेशों पर बैठक करने वाले हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ये बैठक होगी। विधि आयोग, पुलिस, गृह और खाद्य विभाग के अफसरों के साथ ये मीटिंग बुलाई गई है। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर ये बैठक होगी। बैठक में थूक जियात और फर्जी नेम प्लेट को लेकर चर्चा की जाएगी। यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटीमेशन इन फंड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश लाने की तैयारी में है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो सीएम आवास पर ये मीटिंग होगी और कई ऐसे मामले अब तक उत्तर प्रदेश से सामने आ चुके हैं। थूक जियात और फर्जी नेम प्लेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त तेवर में है। आज शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर मीटिंग है। योगी सरकार अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर रही है और इसी को लेकर ये पूरी बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों अध्यादेशों पर बैठक करने वाले हैं, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद होंगे। विधि आयोग, पुलिस, गृह और खाद्य विभाग के अफसरों के साथ ये मीटिंग होगी सीएम की। शाम 6:30 बजे सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ बैठक लेने वाले हैं। तो बैठक में थूक जियात और फर्जी नेम प्लेट को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में कई ऐसे थूक जियात के मामले आ चुके हैं। नेम प्लेट को लेकर सियासत भी देखने को मिली और इसी पर अब योगी सरकार सख्त है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश में मिलावट और माहौल खराब करने की कोशिश जिसकी भी होगी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और इसी को लेकर अब कानून लाने की तैयारी में है योगी सरकार। थूक जियात और फर्जी नेम प्लेट पर सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त एक्शन अब देखने को मिलेगा। योगी सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में और इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। तो शाम 6:30 बजे ये बैठक होगी। यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटीमेशन इन फूड कंज्यूमर राइट टू नो अध्यादेश लाने की तैयारी में है और उसी को लेकर ये बैठक है। तो शाम 6:30 बजे विधि आयोग, पुलिस, गृह और खाद्य विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग बुलाई गई है। सीएम आवास पर ये मीटिंग होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम 6:30 बजे ये मीटिंग होगी। तो इस पूरे मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अध्यादेश को लेकर चर्चाएं होंगी और अध्यादेश लाने के तैयारी में है योगी सरकार। आपको बता दें कि अब तक कई ऐसे मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं, जहां जूस में पेशाब मिलाकर और रोटी में थूक लगाकर परोसा जा रहा था जनता को। ऐसे में योगी सरकार ने तब भी सख्त लहजे में कहा था कि जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मिलावट की घटना सामने आ रही है, उसको लेकर अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेगा मृतक का परिवार। बहराइच बवाल में रामगोपाल की मौत का ये पूरा मामला है। उपद्रवियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार को आज लखनऊ बुलाया गया है। आज 11:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। आज सीएम को रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है। एडीजी कानून व्यवस्था और सचिव गृह रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उस रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश देंगे। हालांकि बहराइच वाले मामले पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उपद्रवी मचाने वाले तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो भी प्रदेश का माहौल खराब करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अमन शांति प्रदेश में बनी रहनी चाहिए। और बहराइच में जो स्थिति देखने को मिली है, उसके बाद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दे रहे हैं। और इस पूरे मामले पर आज वर्मा का परिवार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाला है, और सीएम योगी आदित्यनाथ से ये मुलाकात लखनऊ में उनके आवास पर होगी। पीड़ित परिवार आज लखनऊ पहुंचेगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होनी है। आज 11:30 बजे सीएम योगी से परिवार की मुलाकात होगी। और आपको बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। फिलहाल बहराइच में स्थिति काबू में है,
लेकिन अभी भी चप्पे चप्पे पर फोर्सेस तैनात किए गए हैं। धारा 163 लागू किया गया है। तो लखनऊ से खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मृतक का परिवार मिलने वाला है। बहराइच बवाल में राम गोपाल की मौत का ये पूरा मामला है और ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। आज उपद्रवियों ने जिस तरह से वहां पर बहराइच में स्थिति यहां पर खराब किया है, तो उपद्रव के खिलाफ योगी सरकार सख्त मूड में है। उपद्रवियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और आज पीड़ित का परिवार लखनऊ पहुंचने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी आज 11:30 बजे। सीएम योगी आदित्यनाथ से परिवार के लोग मुलाकात करेंगे और आज सीएम को रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एडीजी कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए एडीजी वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि सीएम की तरफ से निर्देश था। सचिव गृह भी वहां पर मौजूद थे बहराइच में और आज इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा जा सकता है।